हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी अर्थमेटिक के अंदर हमारी सीरीज जो चली हुई है वो चली हुई है परसेंटेज, और परसेंटेज की चार वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज ये पांचवा पार्ट है और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि परसेंटेज थोड़ा लंबा पोर्शन है तो इसमें थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा बनेंगी, इसीलिए अभी कम से कम दो वीडियो और आएंगे इसके बाद, यानी 6-7 वीडियो में जाके कंप्लीट परसेंटेज खत्म होगा। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, और आज जो क्वेश्चन करेंगे हम करेंगे फेल पास वाले। जैसे कि यदि किसी विद्यार्थी को 40% में अंक मिले तो वो 10 नंबर से फेल हो गया, अगर उसको 50% अंक मिलते तो पास से 10 ज़्यादा आ जाते, तो कितने परसेंट पे पासिंग मार्क्स है या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वह 25% अंक लेके आता है, अगर उसके 25% अंक आते हैं तो फेल हो जाता है किससे, 210 से। फेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस से। और अगर उसके 55% अंक आते हैं, उसके 55% मार्क्स आते हैं तो वो पास हो जाता है किससे, 240 से। पासिंग मार्क्स से 240 ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा के लिए हम प्लस से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस। तो 55 में से 25 गए माइनस के, 30% बराबर, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 0, 4 और 1, 5, 2, 2, 4, माइनस से माइनस खत्म। यानी कि 30% किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 450 को। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 450 बटे 30, यानी कि 15। तो 1% किसको बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। अब ये फेल कितने से हुआ है, 210। अगर इसके 210 मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो हमें मार्क्स में तो पता है कि 210, लेकिन परसेंट में नहीं पता। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें यहाँ पर पता चल गया कि 15 मार्क्स कितने परसेंट के होते हैं, 1% के। तो 210 मार्क्स कितने हैं परसेंट के हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 210 हो जाएंगे, 210 बटे 15, यानी कि 15 एकम 15 कितने बच गए, 6, 15 चौका 60, यानी कि 14% के। तो 210 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई, 14%। 25% इसके आ रहे हैं, 210 अंक से ये फेल हो रहा है, 210 अंक का मतलब कि कितने परसेंट से फेल हो रहा है, 14% से। तो अगर इसके 14% मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता है, तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे हमारे, पासिंग परसेंट कितनी हो जाएगी, 25% इसके पहले आ रहे थे, अगर ये 210 यानी कि 14% और आ जाते तो यानी कि 39% पे ये पास हो जाता। तो जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं हमारे, 39% है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए कि 25% जब उसके आते हैं तो 210 से फेल हो जाता है, फेल के लिए माइनस लगाएंगे। 55% जब आते हैं तो 240 ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा के लिए प्लस लगाएंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस के 55 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 30, माइनस के 210 और माइनस के 240 कितने हो जाएंगे, 450 माइनस के, माइनस से माइनस। यहाँ से अगर 30% 450 के है तो 1% किसके आ जाएगा, 450 बटे 30 यानी कि 15, यानी कि 15 मार्क्स में बराबर किसके होते हैं हमारे, 1% के। अब ये हमारा कितने से फेल हो रहा है, 210, अगर इसके 210 मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता, लेकिन यहाँ हमें मार्क्स में पता है और आंसर किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में। तो इन मार्क्स को हम परसेंटेज में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, हमें यहाँ से पता चल गया कि 30% बराबर 450 के, तो 1% किसके बराबर है, 15 के, यानी कि 15 मार्क्स में कितने परसेंट होता है हमारा, 1%। अगर 15 मार्क्स में 1% होता है तो फेल कितने से हुआ है, 210 से, तो 210 मार्क्स में कितने परसेंट हो जाएगा, 14%, यानी कि वो 14% से फेल हो गया। तो 25 उसके आ रहे थे 25%, 14% और आ जाते, यानी कि ये 14% और आ जाते तो 39% पे, 39% पे ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 39%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है, यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह से करेंगे, 36% लेके आ रहा है तो कितने से फेल हो रहा है, 32 अंकों से, 32 से फेल हो गया। फिर 48% लेके आ रहा है तो कितने ज्यादा आ गए, 64 ज्यादा आ गए, माइनस करेंगे तो यहां पर 12% माइनस के 12%, और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 96 को, यानी कि 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 96, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 96 अपॉन यानी कि 8, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 मार्क्स। अगर 8 मार्क्स में 1% है तो 32 मार्क्स किस में हो जाएंगे, 8 मार्क्स में आ रहे हैं हमारे 1%, तो 32 में कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये 32 मार्क्स से ही फेल हुआ है, तो आप कहोगे 32/8 यानी कि 4%, तो वो 32 मार्क्स से फेल हुआ है यानी कि 4% से वो फेल हुआ है, 36% उसके आ रहे थे तो पास कितने में हो जाता, अगर उसके 4% और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे हमारे, तो आप बोलोगे कि 36 तो वो लेके ही आ रहा था, 4% अगर और ले आता यानी कि 40% पे वो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, 40%। देखते हैं नेक्स्ट, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब वो 40% अंक लेके आ रहा है तो 50 अंकों से फेल हो रहा है, जब वह 50% अंक लेके आ रहा है तो 40 अंकों से पास हो रहा है, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस घटाने के बाद, तो यहाँ माइनस के 10% इक्वल माइनस के 90 के, माइनस से माइनस, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि 90/10 यानी कि 9, तो ये फेल कितने से हुआ है, 50 से, तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 नौ पंजे 45, 5 से ही 5/9% से ये क्या हो गया, फेल हो गया। अगर इसके 5 से ही 5/9% और आ जाते तो ये पास हो जाता, तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे हमारे, तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 40 ये लेके आ रहा था, और 5 से ही 5/9% अगर ये और लेके आ जाता यानी तो पास हो जाता, तो कितने पे पास हो जाता, 45 कंप्लीट 5/9% पे, तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे हमारे, 45 कंप्लीट 5/9%। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, जब वह 40% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत भी बताना है हमें, और मैक्सिमम मार्क्स भी बताने हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और पासिंग मार्क्स कितने परसेंट पे। तो 30% अंक लेके आ रहा है तो फेल हो रहा है 5 से, अगर 40% लेके आ रहा है तो पास हो रहा है 10 से, माइनस करेंगे माइनस माइनस, तो यहां पे माइनस के 10% इक्वल माइनस के 15, माइनस से माइनस, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि 15/10 यानी कि 3/2, तो कितने से फेल हो रहा था ये, 5/5 से, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी परसेंटेज में, 3, और ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर यानी कि 10/3 यानी कि 3 से ही 1/3%, तो 3 से ही 1/3% पे वो क्या हो जाता है, अगर उसके 3 से ही 1/3% और आ जाते नंबर तो वो पास हो जाता, तो पासिंग मार्क तो कितने हो जाएंगे,
तो आप बोलोगे भाई पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके, 30% लेके आया, 3 से ही 1/3% से फेल हो रहा था, तो यानी अगर वो 33 से ही 1/3% लेके आ जाता तो वो पास हो जाता, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएंगे, 33 से ही 1/3%। फिर इसमें अधिकतम अंक भी पूछ रहा है, तो 1% की वैल्यू किसकी है, कितनी है हमारी, 3/2, और मैक्सिमम अंक कितने होंगे, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 × 100, 2 से 50 यानी कि 150। तो मैक्सिमम अंक कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे, 150। भाई 1% की वैल्यू 3/2 है और मैक्सिमम मार्क्स होंगे कितने, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 × 100 यानी कि 150। तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे उसके 150 और पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 33 से ही 1/3%। इस तरह से हम इजीली फेल पास वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 1% वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले चावल 40 प्रश्नों के लिए 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो दो तरह से करेंगे क्वेश्चन, पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू लेकर, और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें आंसर परसेंट में निकालना है तो हम एक्चुअल वैल्यू ना लेकर रेशो से भी निकाल सकते हैं। तो पहले एक्चुअल वैल्यू से बताता हूँ कैसे होगा। टोटल नंबर कितने हैं, 80, जिसमें से 40% एक तरफ है और 40% एक तरफ है, तो 80 पर इसको कितने परसेंट लेकर आने हैं, टोटल 75%, तो 80 का 75% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 25 से 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 दूनी 20 60, तो टोटल 80 में से कितने क्वेश्चन इसको ठीक करने पड़ेंगे, 60 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। इसमें से इसने 40 क्वेश्चन जो थे इसमें से 65% इसने ठीक कर दिया, तो 40 का 65% कितना हो जाएगा, निकालते हैं भैया 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से 13, 13 दूनी 26, तो 40 में से इसने 26 क्वेश्चन के बिल्कुल सही उत्तर दे दिए, तो 26 नंबर इसको यहाँ पर मिल गए। और चाहिए कि कितने इसको टोटल, 60 नंबर, तो इस 40 में से इसको कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो 60 में से 26 गए, 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 2 गए 3, तो इस 40 में से कितने नंबर इसको लेके आने पड़ेंगे, 34, तो 34 नंबर किस पर, 40 पर, तो 100 पर कितने, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से 17 और 17 5 85, तो उसको कितने परसेंट नंबर लेकर आने पड़ेंगे अगले 40 में से, 85% अगर वो नंबर ले आएगी तो उसके टोटल ओवरऑल पूरी परीक्षा में कितने परसेंट हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे। ये तो हो गया इसका एक्चुअल डाटा लेकर, लेकिन इसको रेशो में तोड़कर भी हम और इजीली जल्दी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम 100 पर बहुत आसानी से निकाल देते हैं, जैसे कि 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 35% 35, तो हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हम 100 पर डायरेक्ट एकदम बता सकते हैं कि 100 का 15% 15। तो इसको भी हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं रेशो पर लेकर, वो मैं बताता हूँ आपको। और वैसे भी मैं बताता हूँ कि जब भी हमें आंसर परसेंटेज में पूछ रखा हो तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, बिना एक्चुअल वैल्यू के भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं तो रेशो क्या आ जाएगा, 1, 1 और 2। परसेंटेज निकालनी है तो 100, 100 और 200। अब 200 पे से जो कितने परसेंट लेकर आना है, टोटल 75%, तो 200 का 75% 150। पहले 40 में यानी कि पहले 100 में ये कितने परसेंट ठीक कर चुकी है, 65%, तो यानी कि 100 का 65% 65% इसने ठीक कर दिया, टोटल इसको 150 लेके आने। तो अगले 100 में कितने नंबर लेके आए कि इसके टोटल 150 बैठ जाएं, तो आप कहोगे कि इसमें से इसे घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 85। तो अगले 100 में कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे इसको, 85, यानी कि 85%। 100 पे कोई वैल्यू हमारी परसेंटेज होती है तो अगले 100 में इसको कितने लेके आने पड़ेंगे, 85, और ये 100 रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 40 को, यानी कि अगले 40 क्वेश्चन में उसको कितने परसेंट को नंबर लेके आने पड़ेंगे, 85% नंबर लेके आने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अब रेशो में तोड़ कर करेंगे, एक्चुअल वैल्यू नहीं लेंगे।
250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में से 40% के सही उत्तर दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका प्रतिशत 60% हो, इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने परसेंट के उत्तर सही देने होंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं 250, जिसमें से 125 और 125 दो पार्ट में वो बटा हुआ है। रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो एक एक और दो, यानी कि 100 परसेंटेज निकालनी है, 100 और ये 200। ओवरऑल कितने लेकर आने हैं उसको, कितने परसेंट, 60% पूरे में। तो 200 का 60% कितना हो जाएगा, 100 का 60% 60, तो 200 का दोगुना, 60 का दोगुना 120, यानी कि टोटल कितने लेकर आने हैं उसको, 120 नंबर, जिसमें से उसने इस 100 पर कितने लेकर आ चुकी है पहले ही, पहले 100 पर 40%, यानी कि 40 लेके आ चुकी है। तो इस 100 पर कितने लेके आएगी, टोटल 120 हो जाएं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 80। और 100 पर कोई चीज क्या होती है, परसेंट, तो अगले 100 में उसको कितने लेके आने पड़ेंगे, 80%, या इस तरह से बोल सकते हैं कि अगले 125 क्वेश्चन में उसको कितने परसेंट लेके आने पड़ेंगे, 80%, तो ओवरऑल उसको कितने हो जाएंगे, 60%। उम्मीद करता हूँ इस तरह से रेशो में तोड़कर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 छात्रों व 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलती हैं, कुल कितनी स्वीट्स थी। तो कुछ स्टूडेंट हैं और टीचर हैं भाई, और स्टूडेंट कितने हैं, 65, और टीचर कितने हैं हमारे, 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या के, यानी कि एक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का कितने परसेंट, 20% स्वीट्स मिलते हैं। तो 20 × 5 = 100, 5 × 13, यानी कि एक स्टूडेंट को कितने स्वीट्स मिलेंगे, 13। तो 65 स्टूडेंट को कितने मिल जाएंगे, तो आप कहोगे कि जब एक को 13 मिल रहे हैं तो 65 को कितने मिल जाएंगे, 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78 और 6 × 84, यानी कि 845 स्वीट्स मिल जाएंगे। और शिक्षक को कितने मिल रहे हैं, एक शिक्षक को कुल स्टूडेंट की संख्या का कितने परसेंट, 40%। तो 100 लोकर कितना आ जाएगा, 20% पर 13 आया, तो 40 पर कितना आ जाएगा, 26, यानी कि एक शिक्षक को कितने स्वीट्स मिल रहे हैं, 26। तो 4 शिक्षक को कितने मिल जाएंगे, 4 टीचरों को कितने मिल जाएंगे, आप कहोगे 26 × 4, 6 × 24 का 4 को 4 × 2 = 8 और 2 = 10, यानी कि 104। अब मैं टोटल स्वीट्स पूछने लगूँ कि टोटल स्वीट्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 845 इन्हें मिले, 104 इन्हें मिले, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 × 4 = 9, 4 × 8 = 9, यानी कि 949। तो जो कुल स्वीट्स होंगे वो कितने होंगे हमारे, 949 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपनी आय का 50% घर के खर्चों पर खर्च करता है, बाकी का 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर तथा 10% खेलों पर खर्च करता है तथा 900 रुपये की बचत करता है, तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय मान लेते हैं उसकी कितनी है, 100 रुपये, तो 100 का 50% तो उसने खर्च कर दिया किस पर, घर के खर्च पर। अब बच कितना गया इसके पास, 50%, और इस 50% का 50%, यानी कि 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25, और ये इसने किस पे खर्च कर दिए, यात्रा पर, और इस 50 का 25%, 50 का 25% कितना हो जाएगा, 12.5, ये किस पर खर्च कर दिए इसने, मनोरंजन पर, मनोरंजन पर, और इस 50 का ही कितने परसेंट, 10%, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 रुपये, 5 यूनिट, और ये किस पर खर्च कर दिए इसने, खेल पर,
और फिर कितने की बचत करता है, 900 रुपए की। तो यहां पर 25 और 5, 30 और 12, 42.5। तो 50 में से 42.5 यूनिट ये खर्च कर चुका है, तो बच कितने रही हैं इसके पास अभी, 7.5 यूनिट। और 7.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। 7.5 यूनिट बची हुई है और वैल्यू उसकी देखें तो 900 रुपये बच रहे हैं, तो 7.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 900। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 बटे 7.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी, 15 से काट देते हैं, 15 छिक्के 90, 15 पौन 75, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि 120। अगर एक यूनिट की वैल्यू 120 है तो हमें किसकी निकालनी है, 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 120 के पीछे 2 0 और चिपका देते हैं, यानी कि 12,000 रुपये। तो उसकी आय कितनी है, 12,000 रुपये। ये एक तरीका तो इसको करने का ये है, ट्री बनाकर। दूसरा कैसे करेंगे बताता हूँ, इसको रफ कर दूँ। दूसरा करते हैं कि उसकी इनिशियल जो इनकम है वो मान लेते हैं एक्स, और एक्स का 50% यानी कि 1/2 वो खर्च कर चुका है, यानी कि अगर 2 इनकम है तो 2 में से 1 खर्च कर चुका था, बच कितनी गई इसके पास, 1/2। अब जो बाकी 50% बच रही है उसका कितना, 50% 1 जगह, बाकी 50 जो बच रही है उसका 50% 1 जगह, 25% 1 जगह, और 10% 1 जगह, यानी कि टोटल कितने, 50, 75, 85% वो खर्च कर चुका है, बचे हुए का 85% उसने खर्च कर दिया। तो बचे हुए का 85% अगर उसने खर्च कर दिया तो बच कितना रहा उसके पास, 15%, यही तो बच रहा है। तो इस बाकी का कितना, 15% अभी इसके पास बचा हुआ है, 15/100, 15% का मतलब 15/100, यानी कि इतने रुपए इसके पास अभी बचे हुए हैं, और इतने रुपए ना बच के बच कितने रहे हैं, 900। तो यहाँ से 15 छिक्के 90, 0, और 6 दूनी 12, और 2 0 और चिपक जाएंगे पीछे, तो आ जाएगा हमारा 12,000 रुपये। तो दूसरा तरीका इसका ये हो जाएगा, फिर से समझ लीजिए एक बार, 50% खर्च कर दिए, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि अगर उसके पास 2 रुपये थे तो 1 रुपये खर्च कर दिया, तो बच कितने गए उसके पास, 1/2। बाकी जो 50% है उसके 50%, 25% और 10%, टोटल कितने परसेंट खर्च कर चुका है उसके, 85%। अगर वो उसके 85% खर्च कर चुका है बचे हुए के, तो बचे हुए के बच कितने रहे हैं उसके पास, 15%। तो ये हमारा बचा हुआ ही था, ये हमारा बचा हुआ ही था ये वाली टर्म। तो इसका कितना बचा हुआ है, 15%, यानी कि 15/100, और ये सारी की सारी वैल्यू बच कितनी रही है उसकी, 900। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू सोल्व करके क्या आ जाएगी हमारी, 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, एक्स मानकर ट्री नहीं बनाएंगे। ए अपनी 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% खर्च कर दी उसने अपनी आय भोजन पर, और 15% कर दी किस पर, बच्चों पर। तो अब उसके पास बच कितने गई, अगर x उसकी टोटल है तो 20 और 15 वो खर्च कर चुका है, यानी कि कितनी खर्च कर दी, 35। तो बच कितनी रही है उसके पास अभी, 65%। तो x की कितने परसेंट बची हुई है, 65%, यानी कि 65/100 ये बची हुई है। तथा बची हुई इनकम का 40% मनोरंजन व यात्रा, 30% दवाइयों पर खर्च करता है। अब जो ये बची हुई है इसका 40% और 30% और खर्च कर दिया इसने, यानी कि कितना, 70% इसने खर्च कर दिया, इस बची हुई का 70% इसने खर्च कर दिया। तो इस बची हुई का 70% अगर खर्च हुआ तो बच कितना गया इस बची हुई का, 30%, यानी कि 30/100 इतना इसका बचा हुआ है। यदि वह 8775 रुपये की बचत करता है, और यह बचत है किसके बराबर, 8775 रुपये के, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो 2 0 से तो ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर काटेंगे, 3 2 6, 2 3 27, 3 2 6, 3 5 15, और ये 13 से कट जाएगा, 13 5 65, 13 2 26, 3 बच गया 13 2 26, 6 13 5 65, 5 से काटेंगे तो 5 4 20, और 2 5 5 25, और 1 2 3, 1 2
तीन जीरो अंदर जाके लग पीछे जाके लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे 45,000 रुपये। तो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 45,000 रुपये थे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में 40% घरों में दो या दो से अधिक सदस्य हैं। जिन घरों में एक सदस्य है उनमें 20% घरों में एक पुरुष है, तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला और कोई भी पुरुष नहीं है। तो मान लेते हैं टोटल कितने हैं हमारे 100 घर हैं, और 100 घर में से 40% घरों में दो या दो से अधिक हैं, यानी कि यहाँ पर मैन भी होंगे और मेल भी होगा और फीमेल भी, कितने 40 घर ऐसे होंगे। बच कितने गए हमारे 60 घर। इन 60 घरों में से क्या कह रहा है कि इनमें से 20% घरों में एक पुरुष है। अगर इनमें से 20% 60 का 20% यानी कि 12 घर इनमें एक मेल है, तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है। तो बच कितने गए हमारे 48, और इसमें क्या होगी एक महिला, तो कितने परसेंट हो जाएगा हमारा 100 पर कितने 48%। तो 48% घर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, उनकी आय अलग अलग ज्ञात करो। तो ए ने अपनी आय का कितने परसेंट खर्च कर दिया 90%। अगर 90% खर्च कर दिया तो बचे कितने उसके पास 10%। तो ए का 10% बटे बी का 80% खर्च कर दिया तो उसके पास बच कितने रहे हैं 20%, यानी कि बी का 20%। ये इनकी बचत हो गई, दोनों का बचत का अनुपात हो गया, और ये अनुपात दे किसके रखा है 3/4 के। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 यहां से 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ए अपॉन बी किसके आ जाएगा हमारा 6/4। रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2, यानी कि ए की इनकम अगर 3 है तो बी की कितनी है हमारी 2, तो दोनों को मिलकर कितने आ जाएगी 5। लेकिन 5 ना होकर है कितनी इनकम 1500, तो एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगी आप कहोगे कि 1500/5 यानी कि 300। अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुना 300 यानी कि 900 रुपये। तो एक इनकम कितनी हो गई 900, दो यूनिट की वैल्यू यानी कि 300 रुपये, तो दो यूनिट की यानी 600 रुपये। तो ए की जो इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 900, और बी की इनकम कितनी आ जाएगी हमारी 600 रुपये।